रुको बिहारी, जब वो लड़की रॉय चौधरियों के घर की बहू ही नहीं तो रस्में होंगी क्या उसके साथ? बहू नहीं तो क्या है वो? एक बच्ची है जो अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसा तुम सोचते हो समाज भी वही सोचे जरूरी है। तुम्हारे लिए वो बच्ची है पर दुनिया के लिए क्या है वो? तुम्हारी पत्नी ना? नहीं नहीं, साथ फेरे नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी ली है। पूरी दुनिया को बताते फिरोगे ये? कल रात आखिरी मौका नहीं दिया था तुम्हारे बाबा ने तुम्हें, पर तुम सुनते हो किसी की? अब वो मौका खो चुके हो तुम, इसलिए तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू है। जो भी रीति और रस्में नववधू के साथ होती हैं वो सब निभाई जाएंगी, तुम्हें पसंद आए या ना आए। तुम खड़े क्यों अब तक? जा जगाओ बहू को। किसकी बहू? लॉर्ड गवर्नर की या छोटे मालिक की? बिहारी मालिक। तुम क्या यहीं खड़े रहोगे? जाओ तैयार हो जाओ बाशी बीए की रस्म के लिए। कोई औरत है ही नहीं ससुराल में दीदी, सब आदमी है। और कौन क्या लगता है मुझे ये भी नहीं पता। पर मेरे ससुराल में कौन कौन है मुझे पता है। ये जो मुझे बुलाने आई थी ना, ये मेरी सास है। और जो उनके साथ खड़ी थी वो? वो उनकी बहन होगी, मेहमान है ना, दो तीन दिन में चली जाएगी। और पति है? मैं भी जानती हूँ मेरे पति बाबू को, किसी को बताना मत दीदी। बड़े अजीब पति बाबू मिले हैं मुझे। काका आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। और आप जानते हैं मैं सिर्फ कहता नहीं करता भी हूं काका। काका आपके आदेश भी मुझसे रस्म नहीं करवा पाएंगे। बिहारी, बहू जगी कि नहीं? बस मालिक पहुंचने ही वाला हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता क्या दीदी? पर हो जाता है बिस्तर गीला, क्या करूं? पर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बंदिता। बस कुछ ही दिन की तो समस्या है दीदी, माँ यहाँ आ जाएगी मेरे पास तो माँ के पल्लू को पकड़ के सोया करूंगी मैं, फिर ना मुझे डर लगेगा और ना ही करूंगी बिस्तर गीला। पर तुझे यकीन है पिशी यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएंगी, माँ ने कहा था रस्में पूरी होने के बाद आ जाएंगे वो। पर जब तक माँ नहीं आती तब तक तेरी दीदी है ना तेरे साथ। और जब भी ऐसा हो तू नदी पे आ जाना, ठीक है? मैं तेरे लिए कपड़े भी धो दूंगी और तेरी साड़ी भी बांध दूंगी। मैं अंदर आ रहा हूँ बहुरानी जी। बहुरानी जी कहाँ गई है लड़की? लड़की नहीं, बहुरानी। अरे बहुरानी कहूंगा तो अनिरुद्ध बाबू नाराज हो जाएंगे। लड़की कहूंगा तो त्रिलोचन बाबू थपिया देंगे। अरे यार बहुरानी, यहाँ भी नहीं। बहुरानी जी आप अंदर हैं? यहाँ भी नहीं है। अरे सब तकिया वकिया यहाँ कौन रख दिया है भाई? अनिरुद्ध बाबू पहले से ही गुस्से में हैं। उन्होंने इन सब चीजों को यहाँ देख लिया तो बिहारी तुझे तप्पड़ पड़ना तय है। बिहारी कहाँ रह गए? आया मालिक। पर उस कुर्सी का क्या करेगी जिसपे सोई थी तू? दाग सूख भी जाएगा पर निशान कैसे जाएगा? और बदबू आने लगी तो सबको पता चलते देर लगेगी, और उन्हें पता चल गया तो देर लगेगा उनको तुझे घर भेजने में। नहीं क्या करूं अब मैं दीदी? तू घर जा जल्दी, और इससे पहले कि कोई देख ले छुपा दे वो कुर्सी। हाँ जब कुर्सी दिखेगी नहीं तो मैं फंसूंगी भी नहीं।
अच्छे मिलाए ना मैंने शब्द, देखूंगी फसूंगी। बंदिता शब्द नहीं मिलाना, कुर्सी को छिपाना है। वाह दीदी, आपने भी मिलाया शब्द। बंदिता समझ गई दीदी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मालिक मालिक, वो लड़की मतलब बहुरानी कमरे में नहीं है। नहीं है? कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? आंखों में पट्टी बांधी हुई थी देखते समय। सच में बड़े मालिक, मैंने पूरे कमरे को देखा और लड़की नहीं है। तुम लोगों ने देखा है बहुरानी को कहीं जाते? नहीं, पर रसोई में देख लीजिएगा काका, कहीं कल रात की तरह रसोई में खाती ना बैठी हो घर की मालकिन। हाँ, मुझे भी सबक सिखाना है उसे। बड़ी मालकिन समझती है ना अपने आप को, बाल नोचने हैं उसके, पर सुबह से मिली नहीं। घर पर भी नहीं तो इतनी छोटी बच्ची जा कहाँ सकती है? अरे मिलेगी नहीं अभी तक। घर को परेड का मैदान बनाने की जरूरत नहीं है काका, बिहारी ने देखा नहीं ढंग से, बच्ची कमरे में ही है मेरे। क्या संस्कारों की बलि चढ़ानी है क्या इस घर में? लाज शर्म का कोई मोल है कि नहीं? कैसे रह सकती है एक ही कमरे में तुम्हारे साथ बहू अनिरुद्ध? जानते नहीं पति पत्नी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक। पति पत्नी नहीं है हम काका। ये बात आपको और कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे? और रही बात कमरे में रहने की, तो वो लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। आज से मैं रहूंगा स्टडी। मालिक धरती फट जाए और उसमें समा जाए। कौन समा जाए? बड़े मालिक, मतलब जो झूठ बोले वो समा जाए। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, जब पहली दफा कमरे में गया तो मालकिन वहां नहीं थी, लेकिन जब दूसरी दफा अनिरुद्ध बाबू कमरे में गए तो मालकिन थी। मालकिन में कुछ गड़बड़ है। आपने तो सुना होगा ना मालिक, गांव में सबको आता है। क्या आता है? काला जादू। बहू, ये बटुक है, तुम्हारे पति का सबसे छोटा भाई। छूने पड़ेंगे तो छूओ ना, मना किया है क्या? तो मैं छूने पड़ेंगे मेरे पैर। मैं क्यों छू? क्योंकि मैं लंबी हूँ तुमसे, दिखता नहीं। चलो छुटकु महाराज, छूओ मेरे पैर। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? अरे अरे, क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना? ये सोमनाथ है तुम्हारे पति का मंझला भाई, रिश्ते में छोटा है तुमसे। इसके पांव छूके इसको पाप का भागीदार बनाओगी? छोटे तो पति बाबू से, पर मुझसे तो लंबे भी और बड़े भी है ना। शादी के बाद लड़की का ओहदा उसके पति के ओहदे से मापा जाता है, यह नहीं सिखाया माने? अनिरुद्ध घर का सबसे बड़ा बेटा है, इस नाते इन दोनों भाइयों की बड़ी बौदी हुई तुम। सोम चाहे उम्र में तुमसे बड़ा हो, ओहदे में तुम बड़ी हो। मैं बड़ी बौदी हुई तो मेरे पैर छूने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों छूंगा इसके पैर? मैं तो बॉडी भी नहीं कहने वाला ऐसे कभी। बॉडी बुलाना अच्छा नहीं लगता, तो आप बंदिता बुला लेना मुझे, जैसे मेरी संपूर्णा दीदी बुलाती है मुझे। सोमनाथ दादा, मेरे पति बाबू घूम गए हैं हवेली में,
आप उन्हें ढूंढ देंगे? अगर उनके पैर नहीं छुए तो पाप नहीं लगेगा सर पे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि तू घूम जाएगी हवेली में? कभी देखी भी है इतनी बड़ी हवेली? बटुक, बहू स्टडी में है अनिरुद्ध, जाओ जाकर उसका आशीर्वाद ले लो।